पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में डायनेमिक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। गार्ड की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह समझाकर भीड़ को शांत किया। परिजनों का आरोप है कि गोली लगने के बाद गार्ड को अस्पताल नहीं ले जाया गया, बल्कि करीब 2 घंटे तक उसे इसी हालत में फैक्ट्री में पड़ा रहने दिया, जिसकी वजह से अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में आजाद नगर एकता कॉलोनी निवासी उमेश कुमार चौहान काफी समय से लाखनी बाईपास स्थित सनी डायनामिक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। बीमारी की वजह से उमेश चौहान 1 महीने से ड्यूटी पर नहीं गया था, लेकिन उसकी लाइसेंसी बंदूक फैक्ट्री में ही गार्ड रूम में रखी हुई थी। सुबह करीब 10 बजे गार्ड उमेश चौहान फैक्ट्री पहुंचा। बताया जा रहा है कि यहां उसने अपनी बंदूक देखने के लिए मांगी। इसके बाद वो बंदूक में जंग लगने की बात कहकर उसकी सफाई करने लगा। फैक्ट्री के दूसरे गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि बंदूक की सफाई करने के दौरान उमेश चौहान ने बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली उसके पेट में लगी और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। फैक्ट्री के गार्ड ने फैक्ट्री मालिक को इसकी सूचना दी, लेकिन घायल गार्ड को अस्पताल नहीं ले गए। इसके बारे में पुलिस और परिजनों को भी तुरंत सूचना नहीं दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। उमेश चौहान के बड़े बेटे अमित चौहान ने बताया कि उसे करीब 12 बजे फैक्ट्री से फोन करके सूचना दी गई कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, और वो फैक्ट्री पहुंचा तो देखा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अमित और उसकी पत्नी प्रियंका और परिजनों ने फैक्ट्री में हंगामा कर दिया। इनका आरोप था कि फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों ने घायल उमेश चौहान को अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि स्टाफ फैक्ट्री मालिक के आने का इंतजार कर रहा था। फैक्ट्री के दूसरे गार्ड ने भी ये बताया कि उनका काम फैक्ट्री मालिक सनी मुंजाल को सूचना देना था। फैक्ट्री मालिक की परमिशन के बगैर कोई भी कैंपस में पुलिस या एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते थे। मेरा नाम अमित है। अच्छा भाई, क्या हुआ था, क्या मामला है, आज आप यहाँ पर हैं? भैया मामला कुछ भी नहीं, इन्होंने फोन करके बोला था कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे घर पे फोन आया, इनने फोन करके बोला था बल्लभ मेडल में काम करूँ मैं, कि क्या बोलते हैं पापा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ। मैं सोचा एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पहुंच गया। घर पहुँच के कहा जल्दी जाओ, डायनेमिक में है वो। तो मैंने कहा डायनेमिक में, मैं फोन करके भी इनसे सबसे ये कह रहा हूँ, मैंने कहा उन्हें अस्पताल में तो पहुँचा दो, अस्पताल में पहुँचा दो बस उन्हें कैसे भी करके, बाकी मैं तो इन्होंने किसी ने अस्पताल में न पहुँचाया, इन्होंने मार दिया उन्हें यार। श्री उमेश सिंह चौहान यहाँ पे तो बहुत टाइम से, 1 महीने की बाद छुट्टी पे, तबीयत खराब थी ना। कितना टाइम हो गया होगा यहाँ होना, हो गया होगा 1-2 साल से भी ज्यादा होगा। यहाँ आके देखा तो वो पड़े हुए थे, कोई उन्हें छू भी ना दिया, और ये लेके नहीं गए ना उन्हें, कुछ उनमें कुछ भी ना देखा। हाँ अस्पताल ले जाते ना तो वो बच जाते भाई साहब, वो बच जाते। यहाँ बैठे हुए थे कह रहे गोली मार ली, अबे गोली मार ली तो लेके तो जाओ, कुछ और वीडियो में भी कुछ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। दस ये 10 बजे की बात बता रहे हैं और मैं 1 बजे आया हूँ, 1 बजे यार भाई, यार इन्होंने पूछाया नहीं भाई यार, डाल के ले जाते। मेरा नाम तो अमित चौहान है भाई, रहने वाले हैं मूल रूप से। मूल रूप से हम तो उधर एटमैनपुरी गए, यहाँ पे एक तक भैया अब हम क्या चाहेंगे भैया, इन्होंने मार दिया भैया, अब मैं बिल्कुल अनाथ बना दिया मम्मी मेरी वैसे। क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप? मुझे कार्रवाई कर दिए यार, इन्होंने ऐसा क्यों करा यार, हमारे साथ ही क्यों करा, अस्पताल क्यों न पहुँचाया। ये थाना मझोला क्षेत्र में आज एक प्रकरण संज्ञान में आया, एक एक्सपोर्ट फर्म डायनामिक एक्सपोर्ट, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम उमेश चौहान था, और जो अभी हाल में यहाँ मझोला थाना क्षेत्र में ही एकता कॉलोनी आजाद नगर में रह रहे थे, मूल रूप से जनपद मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, एक परिवार सहित यहाँ पर रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। सागर सिक्योरिटी एजेंसी है उसके, उसमें ये काम करते थे और इस फैक्ट्री में पिछले समय से काम कर रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब होने के कारण पिछले 1 महीने से यहाँ ये काम नहीं कर रहे थे। आज ये इस फैक्ट्री में सुबह आए थे और जो वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज है उससे इन्होंने अपनी बंदूक जो वहाँ इनकी रखी हुई थी उसको इन्होंने निकाल के उसको ये चेक कर रहे थे। उसी समय किसी कारण से ये फायर हुआ है जो इनको वहीं लगा और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई। इनका शव
पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और इसमें जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे उसकी जांच करते हुए इसमें कार्यवाही की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।